सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों अब गर्मी का छुट्टी पड़ चुका है स्कूल में, तो अभी हम गए थे स्कूल में तो मैम ने बताया कि स्कूल का छुट्टी हो गया, सीधा अब जाना है 1 जुलाई को, तो यानी कम से कम 50 दिन का छुट्टी हो गया। तो देखिए यहाँ पे मनीषा बच्चे को पढ़ा रही है, देखो बैठे बैठे टॉयलेट कर लिया वंश। दोस्तों देखिए यहाँ पे मनीषा साथ में पढ़ रही है, गंदा वंश। ये देखिए इसका होमवर्क करवा रही है। ए, 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 मत देगा ससुर देखिए इसने पैंट में मूड दिया। ये वंश इसका मम्मी साफ कर रही है। क्या बोलूं? देखिए हम कर रही है, देखो पूरा घर अभी पानी पानी ये कर देगा। सो गाइस यदि आप लोग का बच्चा भी दिल्ली में पढ़ता है तो मेरे ख्याल से आप लोग का बच्चे का भी उनका भी छुट्टी हो गया होगा। ये देखिए मेरे को अभी होमवर्क करवाना है, ये लिखा है इसमें 4 अक्षर की शब्द, अरे 4 अक्षर की शब्द में क्या बोलूं, जैसे कि क्या होता है 4 अक्षर? दोस्तों 4 अक्षर का शब्द क्या होता है, मतलब कि सलगम, ठीक है 4 अक्षर सलगम, हाँ 4 अक्षर का शब्द। बरगद भी होता है ना 4 अक्षर का शब्द, हाँ बरगद भी होता है। और क्या चीज होता है 4 अक्षर का शब्द, बताइए। पहले तो उधर से रखी सलगम, तो स्कूल में दोस्तों बताया गया है स्वयं क्या बोला है पढ़ने के लिए स्कूल में, कटहल भी 4 अक्षर, 4 अक्षर शब्द कटहल, हाँ अदरक भी 4 अक्षर। तो देखिए यहाँ पे मनीषा परवल भी होता है ना 4 अक्षर के शब्द, परवल सर्वत, ठीक है मैं परा के दिखा देती हूँ, ठीक है कि राधिका के मतलब वहाँ पे ना ट्यूशन में क्या क्या होमवर्क देते हैं, उतना पढ़ी लिखी हूँ नहीं होगा तभी अदरक सलगम कटहल लहसुन। ये देखिए ये तो हलवा के लिए लड़ रहे, ये आंगनबाड़ी मिला है, हम लोग अभी गए थे आंगनबाड़ी और वहाँ से वंश और आरोही संध्या सोनम सबका वजन करा के आई हूँ, ठीक है तो यहीं मिला था ये हलवा है, ठीक है यहाँ पे चना है, ये चना मिला है और ये हलवा मिला है आंगनबाड़ी में, रोज मिलता है वंशु, हाँ संडे को बंद रहता है वो तो, हाँ चाट खा रहा है, खा अब वंशु ये तो खाता क्या है, ये तो चना चटकी जिधर गिरता है खाली। उठ रहा है उंगली में, ये देखिए दो तो दोस्तों क्या बताऊं, तो क्या करते हैं लेकिन मतलब हलवा की खुशबू तो अच्छा लगता है पर हलवा नहीं अच्छा लगता है, लगता चीनी कमी है, चाशनी देना चाहिए ना उसमें। देखिए धीरे धीरे गर्मी बढ़ गया, अब गर्मी का छुट्टी हो गया स्कूल का, तो अब ये सोएगी चैन से, सोएगी चैन से कैसे सोएगी, यहाँ पे खाना पीना मुश्किल कर रहा है बाप, सोएगी चैन से कहाँ, तुम्हारा जो कोई सोता नहीं है, ये नहीं 10 मिनट मुश्किल से सोता है फिर जागा रहता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।